अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जो है आज जो है मैं आप लोगों के लिए जो है ग्लैमर मेकअप लेकर आई हूँ, जो कि आप ईद पे इजीली कर सकते हैं और अपना लुक जो है बहुत अच्छी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। और मेरी वो बहन है जिनकी ईद के बाद शादी है, तो वो भी ये लुक बहुत आसानी से अपने घर में ईजीली ये लुक जो है क्रिएट कर सकती हैं। तो इसके लिए जो है मैंने सबसे पहले कंसीलर लिया है, क्योंकि मैं अपनी आईज़ का मेकअप जो है आज पहले करूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जो है हम आई मेकअप कर रहे होते हैं तो जो है वो हमारे जो शेड हम यूज़ करते हैं वो हमारे फेस पर करते हैं, तो जो है फाउंडेशन जो है मैं बाद में लगाऊँगी। तो बस ये सबसे पहले जो है मैंने कंसीलर जो है अपनी आई अंडर आईज़ के नीचे जो है डार्क सर्कल डार्क एरियाज़ जो है मेरे फेस के, मैं वहाँ पे जो है ये जो कंसीलर है मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ। और जो है मैं अपने फिंगर की मदद से ही जो है मैं इसकी ब्लेंडिंग कर लूँगी, क्योंकि मुझे ज़्यादा ये अच्छा लगता है कि जो है हम जो अच्छी ब्लेंडिंग जो हमारी ज़्यादातर होती है वो फिंगर से होती है। तो अगर आप लोग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करना चाहें तो आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। तो ये जो है मेरा कंसीलर जो था वो ब्लेंड हो गया था, और अब जो है ये मैंने आई शेडो ब्रश ले लिया और इससे जो है मैं अब अपनी जो है आईज़ की क्रीज लाइन बनाऊंगी। और इसके लिए जो है मैंने ब्राउन शेड लिया है ब्रश पर, और बस जो है मैं इससे अपनी जो है आईज़ की जो है क्रीज लाइन बना रही हूँ। कॉर्नर से बनाना जो है आपने स्टार्ट करना है। अगर हमारी आईज़ की शेप जो है अगर ख़राबी हुई तो हम जो है फाउंडेशन से जो है हम उसको ठीक कर लेंगे। तो ये है मैंने आईब्रोज़ जो है अपनी ऊपर से पकड़ के आईब्रोज़ के ऊपर से पकड़ के और फिर जो है ये जो है अपनी क्रीज लाइन बनाई है। इसी तरीके से अब मैं अपनी आईज़ की दूसरी क्रीज लाइन भी बना लूँगी, और बस ये जो है मेरी क्रीज लाइन बन चुकी है। और अब जो है मैं एक अपनी आईज़ पर जो है डी बनाऊंगी, जिससे मैं अपनी आई बॉल पर जो है ब्लैक कलर अप्लाई करूंगी। तो इसके लिए जो है मैंने ये ब्रश लिया है और इससे जो है मैं डी बनाऊंगी। तो इसके लिए जो है आई शेड हमारे गिरते हैं, तो इसके लिए जो है मैंने बिल्कुल थोड़ा सा जो है पानी के अंदर इसको डिप कर लिया है, हल्का सा बिल्कुल। और इसके बाद जो है मैं इसको गीला करके ब्रश को, और इससे मैंने ब्लैक शेड लिया है और उससे जो है मैं अपनी आईज़ पर जो है आई बॉल जो होता है उसके ऊपर जो है ये शेड अप्लाई करूँगी। तो बस ये देखें आप कि ये जो है मैंने सिर्फ डी बनाया है। तो आप लोग भी इसी तरीके से अपनी आईज़ पर जो है डी बनाइएगा। ये देखें कितनी इजीली जो है इससे जो है शेड अप्लाई हो रहा है और बिल्कुल भी मसला नहीं हो रहा। आप इजीली अपने घर में जो है ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। कहीं आप पार्टी में जाना हो या कोई बर्थडे पार्टी हो तो आप लोग वहाँ पे आराम से ये मेकअप करके जा सकते हैं। तो ये देखें मेरे आईज़ पर जो है कितनी आराम से जो है मैंने डी बना लिया है, और अब जो है मैं अपनी दूसरी आईज़ पर भी इसी तरीके से डी बना लूँगी। और अब जो है मैं जो है एक ब्रश उठाऊँगी जिससे मैंने अपनी आईज़ की क्रीज लाइन बनाई थी, और ये जो हमारा शेड जो है उसकी जो है हम अच्छी तरीके से ब्लेंडिंग करेंगे। ब्लेंडिंग जो है हम अपने ब्लैक कलर का जो हमारा शेड जहाँ ऊपर से जो लाइन आ रही है ब्लैक कलर की जो आप लोग देख रहे हैं, हम जो है ब्रश अपना यहाँ चलाएंगे। ये जो हमारा कलर है ये जो अलग से नज़र आ रहा है तो ये नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए जो मैंने शेड लिए हैं वो मैंने पीच और ब्राउन शेड उठाया है, और अब इससे जो है मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ। तो ये जो है मैं ब्लैक कलर के ऊपर जो लाइन है बीच के अंदर मैं ये जो है ब्रश अपना चला रही हूँ। आप लोगों ने भी यहीं से जो है ये शेड इसी तरीके से अप्लाई करना है। और ये जो है शेड मैंने अप्लाई कर लिया है मैंने अपनी दोनों आईज़ पर, और मैं ये सिल्वर शेड जो है अपनी आई की जो ब्रो बोन है उसके ऊपर अप्लाई करूँगी। ब्रश से कोई पतला ब्रश हो आप उससे भी अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप लोग चाहें तो अपने फिंगर से भी इसको ईजी ब्रो बोन पर अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी आईज़ का जो कॉर्नर होता है आपने वहाँ पर भी इसको लगाना है, जिस तरह से मैं लगा रही हूँ ये भी आप जो है ब्रश से भी लगा सकते हैं और अपने फिंगर से भी लगा सकते हैं।
और अब हम चलते हैं आईब्रोज की तरफ। तो आईब्रोज का जो होता है, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनको आईब्रोज की शेप जो है देने में प्रॉब्लम होती है, तो मैंने आप लोगों की ये प्रॉब्लम हल कर दी है। अगर आप लोगों को जैसे पेंसिल से या ब्रश वगैरह से बनाने में प्रॉब्लम होती है, तो मार्केट में ये जो मस्कारे हैं आईब्रो, ये बहुत ज़्यादा ईजिली मिल जाते हैं। तो आप लोग इससे जो है, इस तरीके से जो है आराम से ईजिली जो है अपनी आईब्रोज की जो भी आप लोगों की शेप हो आप वो दे सकते हैं, जिस तरह मैंने दी है। इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, आप इजीली जो है इस तरह से जो भी आपके आईब्रोज की शेप हो, आपकी आईब्रोज बनी भी नहीं हो, तो आप इससे जो है इजीली अपनी शेप दे सकते हैं। तो बस ये मैंने भी जो है अपनी आईब्रोज की शेप दे दी है, और अब जो है मैं लाइनर लगाऊंगी। लाइनर आप लोग अगर चौड़ा लगाना पसंद करते हैं तो आप लोग चौड़ा लगा सकते हैं, अगर आप पतला लगाना चाहें तो आप पतला लगा सकते हैं। मैंने जो है अपने आईज पर जो है पतला लगाया था, जैसा आप सूट करते हो। तो बस ये जो है इसी तरह से जो है मैं अपनी दूसरी आईज का भी जो है लाइनर लगा लूंगी, और अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो सबसे पहले जो है मैंने प्राइमर लिया है मैबेलिन का, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं जो आपके स्किन पे सूट करता हो। तो बस सबसे पहले जो है मैं प्राइमर अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। तो बस ये जो है मैंने प्राइमर पे अपने फेस पे जो है अच्छी तरह से अप्लाई कर लिया था, और अब जो है मैं 5 मिनट बाद जो है अपने फेस पे जो है फाउंडेशन लगा रही हूँ। फाउंडेशन जो है मैंने डार्क शेड का लिया है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप लोग वो यूज़ कर सकते हैं। शेड जो है मैं इसलिए अप्लाई करूँगी क्योंकि पिंपल्स के जो निशान होते हैं, और जो बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होती हैं जिनके फेस पे जो है पिगमेंटेशन वगैरह होती है, तो इससे जो है ये हाइड हो जाती हैं। नोज़ पर जो है निशान होते हैं, तो ये जो है ये भी मैंने अच्छे तरीके से अपने फेस पर अप्लाई कर लिए। और अब जो है मैंने डार्क शेड का फाउंडेशन लिया है, इससे भी मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही अपने फेस पे जो है अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूंगी। और साथ साथ जो है आप अपनी नेक को भी कवर करते जाएं। और अब जो है मैंने 1 नंबर का जो है फाउंडेशन लिया है, ये तो थोड़ा डार्क शेड है, तो इससे मैं आई शेड और अपनी आईब्रोज को जो है इससे जो है सेट करूँगी। और अब इसी फाउंडेशन का मैंने पूरे ब्रश से जो है अपने फेस पे लगा लिया था, और अब जो है हाथ से जो है अपनी फिंगर से जो है मैं अच्छी तरीके से इसको ब्लेंड कर लूँगी। और अब जो है मैं फेस पाउडर लूँगी, उससे जो है मैं अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से टैप टैप करके, ताकि जो भी हमने फाउंडेशन वगैरह लगाई है वो अच्छी तरीके से सेट हो जाए। आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। फेस पाउडर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, और अब हम चलते हैं कंट्रोलिंग की तरफ। तो अब जो है मैंने ब्राउन शेड लिया है डार्क, और इससे जो है मैं कंट्रोल करूँगी अपने फेस का। तो ये जो आपकी कान की जो हड्डी है यहाँ से लेकर आना है आपका, और जो आपको सी बनाना है। और आपने जो ब्लेंडिंग करनी है वो अपने जो है ब्रश को जो चलाना है वो ऊपर की तरफ चलाना है। ये देखें जिस तरह से मैं चला रही हूँ, इस तरह से आपने इसकी ब्लेंडिंग करनी है। तो ये जो है हमारी कॉन्ट्रोलिंग हो जाएगी, और इसी तरह से जो है मैंने अपने दूसरे चिक पर भी जो है इसी तरह से कर ली है। इसी तरह से आपने अपनी नोज़ पे करनी है, और ये जो हमारे जो फेस के कट्स होते हैं, हमारी चिक्स बोन्स जो होती हैं वहाँ पर करनी है। ये देखें कितने आराम से जो है हमने जो है मेकअप जो है अपना कर लिया है। ऑलमोस्ट जो है काफ़ी हद तक तो हमारा मेकअप जो है वो डन हो चुका है। बस जो है हमारी कंट्रोलिंग अच्छी सी होती है, तो जो है हमारे फेस के जो कट्स हैं वो इनहेंस हो जाते हैं।
तो बस ये थोड़ी सी ट्रिक्स थी जो मुझे आती थी, तो मैंने सोचा कि जो भी मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मेरी ये कोशिश आप लोगों को कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। जहाँ जहाँ मैंने कंट्रोलिंग की है, अब मैं ब्रश से जो है इसको जो है ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह से। कंट्रोलिंग हमारी हो चुकी है और अब हम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ। तो बस ये जो है मैंने पैलेट ले लिया है और जितने भी मतलब मुझे मैंने जो है शेड लगा के और उसको अच्छे तरीके से झाड़ा है ताकि बहुत ज़्यादा हमारे फेस पे नहीं लगे। ऊपर से नीचे की तरफ मैं लाई हूँ और मैंने इस तरह से ब्लश ऑन लगाया है। इसी तरह से मैंने अपने दूसरे चिक पर भी लगा लिया है, नोज़ पर भी लगाया है मैंने, ये देख सकते हैं आप लोग। और अब जो है मैं हाइलाइटर लगाऊंगी। नोज पे, चिक्स पे और जो है फोरहेड पे मुझे ऐसा लगा कि ब्रश से जो है थोड़ा कम लग रहा है, तो जो है मैं फिंगर से भी थोड़ा सा टचअप कर लूंगी। और अब जो है मैं लिप लाइन बनाऊंगी। तो मैंने लिप लाइन बना ली है और अब जो है मैंने ये जो है लाइट ब्राउन शेड लिया है ब्रश के ऊपर और इससे जो है मैं अपने लिप्स को जो है फिल कर लूंगी। तो आपके लिप्स की भी जो भी शेप हो आप उस हिसाब से बताइएगा। मैं जो आप लिप्स देना चाहें, बहुत सारे लोग जो हैं अपने लिप्स जो हैं मोटे बनाते हैं या कुछ लोगों को छोटे पसंद होते हैं, तो आप अपने हिसाब से बनाइएगा। मुझे ज़्यादा सही लगता है कि जो है हम जो है अपने लिप्स की जो है शेप दे दें, क्योंकि जो है डायरेक्ट लिपस्टिक जो है ना मुझे पसंद नहीं, मुझे अच्छी नहीं लगती। और इसके अंदर जो है मैं लाइट पीच कलर भी जो है वो भी लगाऊंगी। तो ये जो हमारी लिपस्टिक है ये ऑलमोस्ट जो है डन हो चुकी है और अब जो है मैं मस्कारा लगाऊंगी। तो बस ये जो है मैं मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग लैशेस लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। इसी तरह से मैं अपनी दूसरी आईज पर भी जो है मस्कारा लगा लूँगी और ऊपर भी और नीचे की तरफ भी है जो हमारी लैशेस हैं उन पर भी लगाना है। और अब जो है ये मैंने छोटा सा ब्रश लिया है, इससे जो है ब्लैक कलर का आई शेड लिया है, उसे जो है मैं अपनी आई के नीचे जो है थोड़ा सा अप्लाई करूँगी। अगर आप लोग आई के अंदर जो है काजल लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, वाइट पेंसिल आती है बाज़ार में, अगर आप लोग जो है वो लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं। तो ये है मेरा आज का लुक, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोगों के सामने ये मैंने सिंपल सा मेकअप किया है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने मुझे फीडबैक ज़रूर देना है। बस ये मैंने बालों में थोड़े से कर्ल्स डाल लिए थे और आप लोगों के सामने मैं रेडी हो गई हूँ। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम आपसे न्यू व्लॉग में, न्यू रेसिपी के साथ या न्यू मेकअप के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।